हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज आफ्टर इमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब कमेंट्स करते हैं और उसी के बेसिस पर वीडियोस बनाते हैं, सो लेट मी टेल यू दिस, के पीछे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि एसिडिटी के ऊपर आयुर्वेद क्या कहता है, या आयुर्वेद की कौन से ईजिएस्ट और सस्ते सोल्यूशन है जो हम यूज कर सकते हैं एक सिंपल मैनर में और एसिडिटी को फॉर लाइफ जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन लोगों ने पूछा था। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि एसिडिटी की हम बात करें तो एसिडिटी को हम आयुर्वेद परसेप्शन से कैसे देख, आयुर्वेद कैसे देख रहा है उसको, ऑल्सो आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो हम घर में भी यूज करके एसिडिटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करें। एसिडिटी एक बहुत कॉमन वर्ड है। एसिडिटी की वजह से होने वाली आपको गैस हो गया या ब्लोटिंग होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें एसिडिटी की वजह से होती है। अब बहुत सारे लोग जब एसिड बॉडी में बनता है या एसिडिटी को फेस करते हैं तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे बहुत सारी तरकीबें यूज करते हैं। लेट्स से कोई चूर्ण खा लिया या सोडा पी लेते हैं या किसी भी प्रकार का नींबू पानी बनाकर पी लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादातर करते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू दिस कि अगर आयुर्वेद को हम पढ़ें तो बहुत सारे लोगों को टैबलेट्स खाने का भी आदत रहता है, एंटासिड वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं हर बारी जब भी एसिडिटी होती है उनको। फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि ये जो आप फॉर एग्जांपल एसिडिटी हुआ और आप सोडा कंज्यूम करते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी बॉडी में क्या होता है। पॉइंट ये है कि जब आप सोडा कंज्यूम करते हैं तो सिर्फ वो एसिड लेवल्स को ख़त्म नहीं करता, वो डाइल्यूट कर देता है। जब वो डाइल्यूट कर देता है तो वो टेम्प्रेरी रहता है और वो कभी भी जो है एक टाइम के बाद दोबारा से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको एसिडिटी को जड़ से खत्म करना है तो उससे पहले आपको आयुर्वेद क्या कह रहा है एसिडिटी के बारे में उसको समझना पड़ेगा। अब आयुर्वेद अनुसार अगर हम एसिडिटी को देखें बेसिकली तो ये क्यों होता है, तो आयुर्वेद मानता है कि मंद अग्नि होती है किसी व्यक्ति की, या पाचन तंत्र किसी का ठीक नहीं होता है, पाचन वीक होता है या अग्नि मंद हो जाती है, तो एक ज्यादातर लोगों को जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अग्नि मंद हो जाती है तो दैट मीन्स कि हमें काम कहाँ पर करना पड़ेगा, जब अग्नि मंद हुई तो अग्नि मंद ना हो, वो दोबारा से जो है अग्नि आपकी ठीक तरीके से काम करे, उसके लिए हमें कोई औषधि या कोई हर्ब लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी एसिडिटी जो है जड़ से खत्म हो सकती है, राइट। तो अग्नि मंद या पाचन आपका कमजोर हो जाता है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने मिलती है, आयुर्वेद मानता है। ऑल्सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में जब अग्नि मंद हो जाती है तो हमारी बॉडी में अम्ल जो है वो ज्यादा बनता है, एसिड अपने आप जो है बॉडी बनाना शुरू कर देती है क्योंकि अग्नि मंद है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से दोष को, अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये पित्त दोष की वजह से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन फैक्ट ये है कि आयुर्वेद कहता है कि कफ और पित्त दोनों ही जो दोष है ये कारण है किसी भी व्यक्ति की जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम उसके शरीर में तब आती है। कफ क्यों कहा गया है, क्योंकि कफ जो है जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है ये हमारे कफ दोष में आता है, राइट। यहाँ का जो ऊपर का हिस्सा है ये कफ डोमिनेंट है, तो कफ बेसिकली बॉडी में कफ या पित्त ये दोनों दोष कारण बनते हैं आपकी एसिडिटी के। अब अगर हम सोल्यूशन पे बात करें कि आयुर्वेदिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सबसे सिंपल और ईजीएस्ट सोल्यूशन जो है जो हर व्यक्ति कर सकता है बहुत सिंपल मैनर में, वो है बेसिकली जिसको हम सोंठ कहते हैं। सोंठ बेसिकली हम किसको कहते हैं, जब अदरक को हम सुखा लेते हैं, जो अदरक होती है उसको हम सुखा लेते हैं तो उसको हम सोंठ कहते हैं, राइट। सूखने के बाद वो सोंठ कहलाती है। तो सोंठ जो है यानी कि अदरक, सूखी हुई अदरक जो है ये सबसे बेस्ट औषधि कही गई है जब आपके शरीर में एसिड बन रहा हो या एसिडिटी की प्रॉब्लम लंबे समय तक आपको हो रही है। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि अदरक तो ऑलरेडी गर्म होता है, ऑलरेडी गर्म है तो पित्त तो गर्मी की वजह से ही बन रहा है तो कैसे, तो मैं सिंपल मैनर में आपको समझा दूं कि अदरक का काम क्या है, दीपन और पाचन दोनों पे काम करता है अदरक। सोंठ जो है दीपन और पाचन, या अर्थात कि आपको भूख भी लगेगी और पाचन संस्थान भी आपका अच्छा रहेगा। हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, दीपन की वजह से हो रही थी कि हमारा जो अग्नि है वो मंद हो गई, इसीलिए हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। अब एग्जैक्टली जो सोंठ है वो काम वही करेगा, दीपन और पाचन संस्थान पे आपके काम करेगा, जिस वजह से आपकी एसिडिटी जो है जड़ से खत्म होगी। सोंठ जिसको हम कहते हैं, आपको इसका पाउडर भी मिल जाएगा या नॉर्मल जो है मार्केट में सोंठ मिल जाती है, आप वैसे भी लेके खा सकते हैं। अब इसको सेवन करने का राइट तरीका क्या है, सेवन करने का सही तरीका ये है
कि आप खाना जब भी खाएं, दोपहर में खाएं, रात में जब भी आप भोजन करते हैं, तब उसके बाद आप तुरंत जो है सौंठ का सेवन करें। सौंठ का पाउडर चाहे ले लें या फिर डायरेक्ट सौंठ मिलती है वो आप लेके खा लें, लेकिन खाने के बाद तुरंत इसका सेवन करें। एक और चीज़ जो आयुर्वेद में कही गई है, जो एसिडिटी के पेशेंट्स के लिए या गैस वगैरह जो बनती है उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, वो है बेसिकली साथियों सेंधा नमक। जो सेंधा नमक होता है इसको अगर आप चुटकी भर सेंधा नमक जो है खाने से पहले अगर थोड़ा सा खा लेंगे और आप इसको हैबिट बनाएंगे, आफ्टरनून में भी जब आप खाना खाते हैं और नाइट में भी, तो दोनों ही टाइम सेंधा नमक जो है एक चुटकी भर के अगर आप खा लेते हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से निकल सकती है। ये भी एक सोल्यूशन आयुर्वेद में दिया गया है। अब जिन लोगों को एसिडिटी कोई खाने पीने की वजह से हुई है, लेट्स से हम कहीं बाहर गए, हमने कोई जंक फूड खा लिया या कोई बहुत ऑयल वाली चीजें खा ली और फिर एसिडिटी हुई है, तो ऐसे केस में कहा गया है कि सौंठ और आंवला को मिला के भी जो है आप सेवन कर सकते हैं फॉर टेम्पररी, क्योंकि खाने की वजह से जो एसिडिटी हुई है कुछ समय के लिए मोमेंटरी, तो सोडा वगैरह कंज्यूम करने से बेहतर है कि आप इसको कंज्यूम करें, आंवला का पाउडर और सौंठ का पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर ले दोनों एक एक चुटकी और उसको खा ले, तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व हो जाती है। तो ये टेम्पररी जो जिनको प्रॉब्लम खाने की वजह से हुई है उनके लिए भी ये सोल्यूशन आयुर्वेद में दिया गया है। तो बेसिकली साथियों पॉइंट ये है कि आपकी एसिडिटी मंद अग्नि की वजह से होती है और मंद अग्नि पे सौंठ का काम जो है बहुत अच्छा है, जिससे आपकी एसिडिटी जड़ से खत्म हो सकती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसको कितने दिन खाना है, तो उसका भी उत्तर आप ले लीजिए। उसका आंसर ये है कि आपको लगातार 7 days 7 दिन खाइए, फिर 1-2 दिन गैप लेके फिर कुछ दिन वापस कंटिन्यू करिए थोड़े लंबे समय तक। डिपेंड करता है कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, 1 साल हो गए, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 साल हो गए, डिपेंड कितने साल पुरानी है उस हिसाब से आप जो है इसको खाएं कंज्यूम करें। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को रिजल्ट देने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये एक सिंपल सोल्यूशन था और सस्ता सोल्यूशन है जो हर व्यक्ति कर सकता है। बहुत सारी टैबलेट्स, बहुत सारी एलोपैथिक खाने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट सोल्यूशन जो आयुर्वेद में बताया गया है। उम्मीद है कि जो प्रश्न आपने मुझसे किया था कि एसिडिटी को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, तो उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आंसर मिला या नहीं। ऑल्सो आने वाले समय में आप कौन सी वीडियोस और मुझसे चाहते हैं जिस पे हम आयुर्वेद परसेप्शन से बात करें, जैसे एसिडिटी पे आज हमने बात की है, तो आगे जैसे डायबिटीज है या थायराइड है या हेयर फॉल है या हड्डियों की समस्या, व्हाटएवर आप कौन सी वीडियोस और चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन फ्रेंड्स, ये वीडियो लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एसिडिटी इज अ वेरी बिग मार्केट, हर एक बंदे को आज की डेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो सिंपल और सस्ता सोल्यूशन है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, हर व्यक्ति को हेल्प कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेदा कभी भी उतना महंगा था ही नहीं। तो हम सभी लोग ये बात जानते हैं आयुर्वेद सस्ता और बेस्ट इलाज होता है हर व्यक्ति के लिए। तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे, कॉमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू, जय हिंद।